It is 6:42 in the morning and it's 10th of November और हम तैयार हैं एक बार फिर जाने के लिए और सामान पूरा एंड माई लगेज इज रेडी ऑल्सो माई राइडिंग गियर्स आर रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी. बस ये एक कैमरा का थोड़ा सेटअप करना है वो करके फिर हम निकलेंगे. और ये तो ये सब ख़त्म करके मैं आपसे बाइक पे मिलता हूँ और बाकी की बात वहाँ पे करेंगे क्योंकि अभी घर पे सब सो रहे हैं. तो एक बार बाइक पे सब लोड कर देता हूँ सामान और फिर ऑन द वे आपसे बात करूँगा या फिर कहीं चाय नाश्ता करने के लिए रुकेंगे वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा कि आज का डेस्टिनेशन क्या है और कहाँ जा रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो फाइनली वी आर रेडी टू लीव एंड दिस इज हाउ लुक्स माय ब्यूटी. तो चलते हैं. फ्यूल अभी हाफ टैंक है तो अभी मैं नहीं भरूंगा. एक बार हाईवे पे पहुंच जाए उसके बाद मैं फ्यूल भरूंगा. लेट्स गो डैन. वो काफ़ी हैवी लग रहा है एंड फर्स्ट टाइम मैं सैडल बैग्स के साथ बाइक चला रहा हूँ. डन विद द रिफ्यूलिंग एंड बैक ऑन ट्रैक. बड़ौदा पहुँचे हैं. आई मीन बड़ौदा से हलोल के रोड का टर्न हमने ले लिया है. अब यहाँ पे फ्यूल टॉपअप कर दिया है मैंने. वैसे तो काफ़ी फ्यूल था अभी हलोल तक मैं पहुँच जाता लेकिन फिर भी टॉपअप कर लिया है तो फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है. टॉक अबाउट आवर डेस्टिनेशन टुडे. हम जा रहे हैं उज्जैन. महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग. तो उज्जैन हमारे भरूच से है 420 किलोमीटर ये रूट से और अभी बज रहे हैं तो समझो कि 11:30 हो रहे हैं. लगभग 5 से 6 बजे तक पहुंचने का गोल है. 150 किलोमीटर्स टू डन. 150 किलोमीटर्स डन फ्रॉम होम. स्टॉप्ड ओवर हियर फॉर अ वाटर ब्रेक एंड हैड एन आइसक्रीम. स्टिल 280 किलोमीटर्स टू गो. 6 घंटे दिखा रहे हैं लेकिन 6 घंटे हम होने दे देंगे और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रास्ता भी ऐसा है. 4-lane रोड है मतलब दो इस तरफ और दो उस तरफ. तो और छुट्टियां भी चालू हो गई. कुछ छुट्टियां भी शुरू हो गई है तो उसकी वजह से उतना ट्रैफिक भी है. सब अपने अपने गांव जा रहे हैं या फिर पता नहीं कहां जा रहे हैं. और बस 280 किलोमीटर्स टू गो. तो चलते हैं और क्या. सो वी आर एट दाहोद नाउ. Still 198 kilometers to our destination. And अभी थोड़ी देर में हम गुजरात कुछ किलोमीटर्स के बाद गुजरात छोड़ के MP में प्रवेश करेंगे. और हाँ ये दाहोद है. दाहोद इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी. ऐसा बोर्ड या बोर्ड ऐसा था स्मार्ट सिटी दाहोद वहाँ पर. जैसे हम लोग राजकोट गए थे राजकोट में तुम्हारा स्वागत है. स्मार्ट सिटी दाहोद. देखो 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 तो पानी की टंकी पे लिखा दिख रहा है स्मार्ट सिटी दाहोद. वैसे अपना गुजरात अपना
भरूच कौन सा सिटी है? भरूच का कौन सा नाम होगा? स्मार्ट सिटी दाहोद है, रंगीलो राजकोट है, तो आप भरूच में से आपो भाई कमेंट सेक्शन में भरूच में शू नाम होवु जोईए, शू नाम आप सके अपना पर भरूच ने आपो जवाब। सो वी एंटर्ड इन एमपी जस्ट अ किलोमीटर बिहाइंड वी लेफ्ट गुजरात बॉर्डर और एमपी में एड मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। नाउ इट्स जस्ट 170 किलोमीटर्स फॉर उज्जैन। छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, फिर से 270 किलोमीटर दिखा रहा था तो हमने रुक के देखा तो वो इंदौर वाला रूट दिखा रहा था, तो इसकी वजह से किलोमीटर्स ज़्यादा हो गए थे। फिर से रूट सेट कर दिया है एंड लेफ्ट फॉर महाकाल नगरी उज्जैन। और खराब रास्तों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। 6 PM एंड अराउंड अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। खराब रास्तों की वजह से इतना देर हो गया और बीच में एक अपने साथ एक ट्रेजेडी भी हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार पहुंच जाओ तो उसका भी वीडियो निकाल के दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। वो वाला मैच देखा था आप लोगों ने, मैक्सवेल वर्सेस अपना कौन सा था, अफगानिस्तान, हाँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें मैक्सवेल ने इंजर होने के मतलब क्रैम्स आ रहे थे उसको, वो खेल खड़ा हुआ नहीं जा रहा था उसे, फिर भी उसने खेला और मैच जिताया। तो बस वही वाला सिचुएशन मेरी बाइक के साथ भी हुआ है। तो एक बार डेस्टिनेशन पहुंच जाता हूं फिर अच्छा विजन मिलेगा तो उसका वीडियो निकल के आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बस अभी तो ये ख़राब रास्ते है, इसको पार करना पड़ेगा पहुँचने के लिए, इसकी वजह से 1 घंटा मेरा टाइम और बढ़ गया। देखो खराब रास्ते और क्या, जागो एमपी सरकार जागो। और एक बंद फाटक के साथ हमारा स्वागत किया गया है उज्जैन में। 7:13 PM and we are entering Jain. अब भी सीधा जाएंगे होटल से फ्रेशन अप होके, देखते हैं अगर वैसे तो मुझे पता है वैसे 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ट्राई करेंगे कि जाके आए अभी, क्योंकि कल भी फिर मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। तो अगर दर्शन करने में सुबह में गया तो फिर अगर आज के जैसा रूट रहा कल का भी, आज के जैसे रोड रहे कल भी, तो फिर कल भी मुझे मतलब लेट इवनिंग तक राइड करना पड़ेगा। फिर तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी दर्शन करके आऊँ तो सुबह में फ्रेशन अप होके मैं निकल पाऊँ। एंड चेक पोस्ट चेकिंग के लिए, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे तो चेकिंग तो होगी। एमपी की गाड़ियाँ ही चेक कर रहे हैं, अभी जगह होगा तो निकलेंगे ना। मोटरसाइकिल आप निकलो ऐसा बोलता दिया, लगे जगह होगा तो निकलूंगा ना मेरे। अच्छा है, चलिए चलते हैं। अब
अभी कुछ अच्छा लग रहा है भाई। आप भी बहुत परेशान हो गए, बहुत ख़राब रास्ता था। आई थिंक वहाँ मतलब हाईवे बना रहे हैं इसके लिए अभी ख़राब रास्ता है। एक बार वो बन जाएगा उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर मज़ा आ जाएगा। So it's a 7:30 p.m. and I've reached the hotel. अब क्या ही बताऊँ, जब भी निकलता हूँ रास्ते के साथ मेरी दुश्मनी है शायद, या फिर उसने मुझे दुश्मन बना लिया है। जहाँ भी जाता हूँ, कहीं पे भी राइड पे निकलता हूँ, रास्ते में रिवार्ड लगा देते हैं। और वैसे भी काम तो अच्छा हो रहा है क्योंकि वो एक हाईवे बना रहे हैं। अगर वो हाईवे बन जाएगा ना, उसके बाद अच्छा रास्ता हो जाएगा। फिर बस अभी सब प्लानिंग में कुछ है नहीं, फ्रेश होंगे फिर देखता हूँ। अगर टाइम है तो दर्शन के लिए जाऊँगा या फिर सुबह में, क्योंकि कल मुझे निकलना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और उसके भी कल भी मुझे 250 से 300 किलोमीटर राइड करना है। तो वो देखना पड़ेगा, पॉसिबल होगा ना तो अभी मैं दर्शन करके आऊँगा, क्योंकि कल सुबह में शायद लेट हो जाए। क्योंकि और आज के जैसे रास्ते कल भी हुए तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और नथिंग, रूम टूर ले लो आप। लुक एट द रूम प्रो, एसी। तो ये है अपना होटल शिखर। एक्चुअली इसका नाम राज शिखर है, बट यहाँ पे शायद पहले शिखर होगा। नाइस रूम एंड टीवी। ये रहा मेरा सारा लगेज। एंड ये हूँ मैं। और भाई साहब बाथरूम तो देखो, जय महाकाल। तो पहुंच गए हैं मन, और फ्रेश होके मैं मंदिर दर्शन के लिए भी आ गया हूं। एंड जस्ट एंटर्ड मंदिर, और अंदर ही जा रहा हूं। अगर अंदर अलाउड होगा तो आपको दिखाऊंगा। तो ये रास्ता है, यहां से चलकर हम जा रहे हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर में चल चुका हूं। अभी खाली है, लेकिन वैसे ये सब बैरिकेड्स देख के लग रहा है कि बहुत लंबी लाइन रहती होगी। और ये सब भी बहुत सारा कुछ है, वो सब देखेंगे। पहले एक बार बाबा के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद सब देखेंगे, आपको भी सब दिखाऊंगा। अच्छे से दर्शन तो हो गए, लेकिन कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है तो वीडियो नहीं बना सका। लेकिन बाहर का सारा एम्बियंस और बाहर जो भी है देखने के लिए आपको भी सब आपको दिखाऊंगा। और वैसे भी वीडियो में देखते हो और आप लाइव आके दर्शन करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर वीडियो ही देखना है तो 24 आवर्स चालू ही है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे देख ही सकते हो। और मेरा मानो तो लाइव आके दर्शन करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बिहाइंड मी विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी एंड महादेव, और बहुत ऐसी चीज़ें देखने लायक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर छे पप्पा अने अहिया छे बापा। ओम गणेशाय नमः। ये है गजासुर संहार का रूप, और वैसे ही ये सब है उनके अवतार।
और अभी उसके बाजू में लेक है, लेकिन वहाँ जाने का मन नहीं है, बहुत थक गए। तो अभी हम जाएंगे फिर से बाहर और फिर होटल, अगर कुछ खाने का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर होटल पे जाके खाएंगे। तो ढूंढते एक अच्छा सा होटल, फिर मिलता हूँ आपसे, बात करता हूँ, फूड के बारे में बताता हूँ कैसा फूड है यहाँ पे, टेस्ट कैसा है सब, ठीक है। एंड बैक टू रूम, खाना खा के हो गया है। बहुत अच्छा होटल था, मंदिर के एग्जिट के बाजू में ही एक अच्छा सा होटल है, नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ पे हमने खाना खा लिया, अच्छा था, टेस्ट में भी अच्छा था। बस अभी बहुत थक गया हूँ, एंड इनफ फॉर टुडे। अभी कल सुबह में उठेंगे, चेकआउट करेंगे और चित्तौड़गढ़ के लिए निकल जाएंगे। हाँ बस और कुछ करने के लिए है नहीं, अभी बस प्रे करो कि आज के जैसा कल का रास्ता भी ना हो, वरना बैंड बच जाएगी हमारी वहाँ पहुँचते पहुँचते। है सिर्फ 250 किलोमीटर लेकिन बहुत तकलीफ हो, अगर ऐसा रास्ता हुआ ना तो बॉस।